कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरण करता हुआ बैठता है वो मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। हरिओम। मिथ्याचारी सोचते, जो आदमी कर्म इंद्रियों को रोक कर मन में इंद्रियों का विषय में स्मरण करता है, बाहर से शो करता है वो साधु है, बाहर से शो करता है वो साधना साधना कर रहा है, बाहर से वो शो करता है कि वो तो निर्लेप है, लेकिन अंदर विषयों का चिंतन करता है, अंदर विषयों का विचार करता रहता है, ऐसे आदमी को भगवान जी मिथ्याचारी सोचते, हिपोक्रेट कहते हैं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। और यह शब्द हुआ है, यह मतलब कि वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, कारा हो, काला हो, गोरा हो, सफेद हो, बूरा हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो, जैपनीज हो, कोई भी हो, यहाँ यदि वो बाहर से ऐसा शो करता है कि वो तो शांति का दूत है, वो तो बड़ा निर्लेप है, वो तो पूरी तरह से डिटैच है, साधु है, और अंदर कामनाओं का खेला चल रहा है, ऐसे आदमी को भगवान जी ने बहुत भयंकर शब्द करे मिथ्याचारी। आज की भाषा बदल गई है, आज हमारी भाषा अलग है। 5000 साल पहले भाषाएं अलग होती थी, आज से 5000 साल पहले मिथ्याचारी बोलना बहुत बड़ी बात है। जैसे आज से 5000 साल पहले पिताजी को क्या बोलते थे, पिताश्री, सीरियल में मैंने पढ़ा देखा, पिताश्री बोलते थे, पिताश्री हटाया, पिताजी आया, पिताजी हटाया, डैडी जी आया, डैडी जी हटाया, पापा जी आया, पापा जी हटाया, पापा आया, पापा हटाया, पॉप्स हटाया, पॉप्स ये पॉप्स कुछ सालों बाद हो जाएगा रमेश। नाम हमारे बदले, हमारी लैंग्वेज बदली है, लैंग्वेज बदली है। और आज से 5000 साल पहले विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहना भयंकर शब्द। आज किसी को बोलो मिथ्याचारी, वेरी नाइस नेम। आई नो ए जेंटलमैन जिसका नाम रंजिश है, एक लड़का जिसका नाम रंजिश है। मैंने पूछा इसका नाम रंजिश क्यों रखा, इट साउंड्स गुड। भाषा बदल गई। सो यहां भगवान कहते हैं, चाहे जो भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, जैपनीज हो, चाइनीज हो, काला हो, गोरा, सफेद हो, भूरा, जो भी ह्यूमन बीइंग है, बाहर से ये शो कर रहा है कि वो तो बड़ा धार्मिक है, और अंदर से कामनाएं लेके बैठा हुआ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी कहते हैं। मूड मैंने स्टूपिड, विमूड मीन्स PhD इन स्टूपिडिटी, मूड मैंने बेवकूफ, विमूढ़ा मीन्स बेवकूफों का भी उस्ताद। ये गाली नहीं दी गई, ये एक्चुअल में हमें जताया गया कितने करीब हो और अब कहां छोड़ गए। एक प्लेयर है क्रिकेट में खेलता, 30 रन मारते आउट हो जाता है, एक प्लेयर है जो 99 पे आउट हो जाता है। इमेजिन कीजिए, एक आदमी, एक प्लेयर ने, एक लड़के ने 99 रन मारे आउट हो गए, और एक लड़का 30 रन मार के आउट हो गया। 99 जो मार के आउट हुआ उसको मैनेजर कहता, तू गधा, बेवकूफ है, मूड है, सेंचुरी क्यों नहीं बनाई तूने। और जिसने 30 रन मारे उसको मैनेजर आके कहता, वेरी वेल डन, कीप इट अप। तो जिसने 99 रन मारे वो कहता है कि मैंने 99 रन मारे और आप मुझे मूड कह रहे हो, और उसने 30 रन मारे उसको आप वेरी वेल डन कह रहे हो। तो मैनेजर कहता है, तू सत्य के बहुत करीब था, तू सेंचुरी के बहुत करीब था, और वो सेंचुरी से दूर था। तो जो अध्यात्म के क्षेत्र में आया, अध्यात्म की पृष्ठभूमि में आया, अध्यात्म के सराउंडिंग में आया,
इतने करीब आके क्यों फिर कामनाओं के अंदर ग्रस्त व्यस्त प्यस्त और व्यस्त हो गया, क्यों अस्त व्यस्त और पस्त हो गया। और बहुत दुनिया में ही होता है, अध्यात्म में तो बहुत आई है, बहुत ज्यादा। कोई संत बता रहे थे हमें, बनारस में एक संत थे, ओल्ड फैशन संत थे, 2:30 बजे उठना, सर्दियों में भी उठना, स्नान करके बनारस में जा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना, तर्पण क्रिया प्रक्रिया साधना ध्यान सब करना, बहुत सेवा सत्संग सत्कार सब किया। लेकिन जब आखिरी उम्र के आखिरी दहलीज में आए, नास्तिक से हो गए, नास्तिक हो गए। तो हम लोगों ने पूछा ये कैसे हो गया, वो जो शुरू में उन्होंने अध्यात्म का जो चोला ओढ़ा था उसमें नाम सम्मान आदर सत्कार बहुत था, और वो आदर सत्कार की जब आदत पड़ जाती है आदमी को तो वो उस रूप से हटना नहीं चाहता, वो चाहता है कि लोग मुझे इसी रूप में देखें, और इसलिए वो पखंड करता रहता, बाहर से शो करता है जैसे मुझे तो ब्रह्म ज्ञान है, अंदर से कामना। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, और ये समझ के करना पड़ता है, मुझे सोच के करना पड़ता है, इसको मैं हैपहज़र्ड नहीं कर सकता। मैं समझाता हूं, हम अब तो हम जगह डिफरेंट जगह रहते हैं, पहले जहां हम रहते थे तो घर के पास ही मदर डेयरी थी, जिस एरिया में हम रहते थे वहां मैं एक मंदिर था, वहां प्रवचन करने भी जाता था, और प्रवचन करने जाता था काफी लोग आते थे, 150-200 लोगों की संख्या आती थी, एक मंदिर था जहां पे मैं जाके प्रवचन करता गीता जी का, और एक व्यक्ति मेरे पास आता था हर सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक क्लास होती थी, और क्लास के बाद महाराज जी आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, आपने तो सनातन धर्म का ध्वज उठा के रखा हुआ, आपने तो भारतीय संस्कृत सभ्यता को संभाला हुआ है, आप कैसे तो बड़ा कोई नहीं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसी एरिया में मैं रहता भी था थोड़ी दूर में, तो एक सुबह सुबह एक दिन मैं मदर डेयरी में वो जो डब्बा होता है दूध का लेके, और बरमूडा मैंने पहना हुआ, टी शर्ट मैंने पहनी हुई, बरमूडा पहन के मैं मदर डेयरी में लाइन में खड़ा हुआ दूध की, वो भी तो जरूरी है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति जो रोज हर हफ्ते मेरी तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करता था, वो मेरे पास, उसने मुझे देखा, महाराज जी आप ये कैसे, ऐसे बोला तो नहीं, उसकी आंखें बता रही थी, ये कैसे महाराज जी बरमूडा और टी शर्ट पहन के बैठे खड़े हुए दूध की लाइन में, और हम मानेंगे नहीं। उसके बाद वो दोबारा कभी क्लास में नहीं आया, क्योंकि उसने सोचा ये कैसे महाराज जी टी शर्ट और जीन्स पहन के, टी शर्ट और बरमूडा पहन के घूम रहे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट, इस तरह के लोग पखंड ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं लगना चाहिए मैं साधु नहीं हूं, तो वो हमेशा एक ढोंग करके रखते, एक 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 फसाद क्रिएट करते, अंदर कामना है और बाहर ये शो करना कि मैं तो निर्लेप हूं, अंदर इच्छा है और बाहर निरिच्छा दिखाना, अंदर कर्म की इच्छा बाहर अकर्ता दिखाना, अंदर वासना और बाहर निर्वाण दिखाना, ऐसे व्यक्ति को भगवान जी मिथ्याचारी कहते हैं। तो फिर करें क्या, सल्यूशन क्या, बहुत सटली भगवान जी ने सल्यूशन दिया, सल्यूशन है स्पेस श्लोक नंबर 7:3। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। परंतु जो इंद्रियों को मन द्वारा रोक कर हे अर्जुन निरासक्त हुआ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आरंभ कर रहा है वो श्रेष्ठ है।
सविशिष्यते, भगवान कहते हैं सविशिष्यते, वो श्रेष्ठ है। कौन? निरासक्त हुए कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग को आरंभ करते हैं, वो इंद्रियों को मन द्वारा रोक के। हे अर्जुन, सो बातों की एक बात है कि आपके अंदर मेरे अंदर डिजायर्स है, और जितनी डिजायर्स आपकी मेरी ज्यादा है उतने हम प्रभु से दूर हैं। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू यू एंड माई। सो डिजायर ही सारा खेल करते हैं, गुस्सा क्रोध भय ईर्ष्या द्वेष सब मॉडिफिकेशन ऑफ डिजायर है। इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा हो जाता है, इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ हो जाता है, इत्यादि इत्यादि जो 62-63 में हमने किया दूसरे अध्याय में। अब इच्छा है अंदर, लेकिन शो ऑफ कैसे करना है कि मुझे में तो इच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान जी ने मिथ्याचारी कहा। अब भगवान जी ने टेक्निक बताई है और वो टेक्निक सुन लीजिए, खासकर यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है वो। ये आप में इच्छा है तो कोई पाप नहीं है, उस इच्छा को एक लक्ष्य दे दो, कर्मयोग बना दो उसका। जैसे मेरे अंदर बहुत इच्छा थी, अब तो कम हो गई है, दुनिया घूमने की। मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग इच्छा थी दुनिया घूमने की। मैं बचपन में वो फॉरेन मैगजीन्स आती थी वो ही देखता रहता था, और जब मुझे पहली बार अमेरिका का वीजा मिला तो मैं सो नहीं पाया था, इतना खुश था मैं, ऑनेस्ट टू गॉड। मैं कोई यहां पे प्रपंच नहीं कर रहा, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं। इतना खुश था कि मैं रात भर सोया नहीं। तो क्या करूं, इच्छा है तो क्या करूं? भगवान जी कहते हैं अपनी इच्छा को एक लक्ष्य बना दो, अपनी इच्छा को एक लक्ष्य बना के कर्मयोग दे दो। और जब आपने अपनी इच्छा को एक लक्ष्य बना के कर्मयोग दे दिया, सविशिष्यते, सविशिष्यते मीन्स वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो कामना थी विदेश घूमने की, कामना थी अलग अलग लोगों से मिलने की, कामना थी ट्रैवलिंग की, कामना थी अलग अलग जगह खाने की, कामना थी एक नया संसार देखने की। और अध्यात्म में क्या कहा जाता है, कामना छोड़ो, कामना छोड़ो, कामना छोड़ो। और कामना छोड़ देता बाहर से, अंदर कामना रहती, तो फिर ढोंगी हो जाता, मिथ्याचारी होता। तो भगवान जी ने तरीका बताया, अपनी कामनाओं को एक लक्ष्य दे दो, कर्मयोग कर लो, कर्मेंद्रियानि कर्मणि, फिजिकल करो, करो ठीक है। मेरे अंदर है, मैं घूमा इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, छोटे से छोटे कंट्री में गया, ऐसी ऐसी कंट्री में गया जिनका नाम भी नहीं आपने सुना होगा, अंडोरा। अंडोरा एक कंट्री है फ्रांस और स्पेन के बीच में, 60-70 सिंधी फैमिली रहती है वहां पे। फ्रांस और जर्मनी में छोटा सा प्रिंसिपैलिटी है अंडोरा, 60-70 सिंधी फैमिली और सबने स्पेनिश से शादियां करी हुई है, और सबके सब शॉपकीपर हैं। और वहां मेरी रात को 11 बजे क्लास होती थी, रात को 11 बजे, क्योंकि सब दुकानदार है 11 बजे बंद हो गए, और स्पेनिश में ट्रांसलेट करते थे क्योंकि आधे बच्चों को तो स्पेनिश आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं थी। वहां गया तो 3 बार गया मैं अंडोरा। धीरे 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 क्या हुआ, कर्म इंद्रियों से मैंने अपनी वासनाओं को खत्म किया। आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जाम्पल बट दैट ड्राइव्स होम द पॉइंट। सपोज मैं अब लेक्चर सुन रहे हो, यहां पे लेक्चर सुन रहे हो, टीवी पे सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हो, और सुनते सुनते आपको प्रेशर आ जाता बहुत ज्यादा। अब आप क्या करते हो, इसको पॉज करते हो, अपने आप को वॉशरूम जाते हो, अपने आप को रिलीव करते हो और दोबारा आ जाते हो। वो जब आप गए वापस आने के लिए गए, जैसे हाईवे में आप जा रहे हो, दूसरा एग्जांपल, हाईवे जा रहे हो, आगे ट्रैफिक जाम या कुछ प्रॉब्लम होती है, अब डिटूर करते हो फिर वापस आ जाते हो। यही शास्त्र कहते हैं, कोई पाप नहीं है आपकी लाइफ में, इच्छा होना कोई पाप नहीं है जी। यदि आप में इच्छा है तो कोई आपने पाप नहीं किया, पिछले प्रारब्ध के कारण या संचित के कारण ले आए। अब उस इच्छा को एक डायरेक्शन दे दो, एज लॉन्ग एज वो इच्छा एथिकल हो, मर्यादा में। सो गो थ्रू एक्सपीरियंस, अपनी डिजायर को कर्म इंद्रियों से निकाल दो, एंड देन डोंट लिंगर, उस पर लिंगर, क्योंकि डिजायर कर्म नहीं बनाते,
कर्म के बाद जब आप लिंगरिंग करते हो तब बनती है डिजायर। कर्म खत्म हो गए, ओवर, इट्स ओवर, यू स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट कर्म। लेकिन कर्म खत्म होने के बाद जब आप लिंगर करते हो उस पर सोचते हो, अम्मा अच्छा अब दिल्ली से लंदन जाना है, दिल्ली में हो तो आपका थॉट लंदन में, लंदन 10 दिन 5 दिन 20 दिन घूमा है, और जब लंदन में घूम रहे तो थॉट दिल्ली में था। अब 15 दिन आप लंदन घूम के इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड मैनचेस्टर बर्मिंघम वुल्वरहैम्पटन सब जगह घूम के वापस जब दिल्ली आए, अब आप लिंगरिंग कर रहे हो, है ना। लंदन में तो ऐसे होता है, इंग्लैंड में तो ऐसे होता है, इंग्लैंड में ऐसे होता है, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो लिंगरिंग? That's how you create desire. So let's start with chapter 3, verse number 1 से। Let's go back. अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान जी से कि मैं कर्म करूं या ज्ञान करूं, संन्यास लूं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चला जाऊं या कर्म करूं अपनी obligatory duty करूं। तो भगवान जी ने कहा, अर्जुन ने कहा भगवान मुझे कंफ्यूज मत करो, सीधी बात बताओ। तो भगवान जी ने कहा लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, दो विधाएं, दो ऑप्शन है। यदि आप बहुत ज्यादा डिजायर है तो कर्म करो, कम डिजायर है तो ध्यान करो, कम डिजायर है तो ध्यान करो, ज्यादा डिजायर है तो कर्म करो। और आज के समाज में डिजायर ज्यादा है, आज का जो समाज है डिजायर बहुत है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत है, अवेलेबिलिटी में डिजायर ज्यादा क्रिएट हो जाती है। आज से 100 साल पहले नर्सरी का बच्चा जब स्कूल जाता था तो कितनी उसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। आज से 100 साल पहले नर्सरी के बच्चे के पास, नर्सरी तब तो होती नहीं थी, पहली क्लास के बच्चे के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? एक कायदा, एक तख्ती, एक कलम, एक दवात, दैट्स ऑल। और स्कूल का टीचर उनका बताता था। लेकिन आज के नर्सरी के स्टूडेंट के पास, पहली क्लास के बच्चे के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितना है? मोबाइल है, कंप्यूटर है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, टीवी है, बिलबोर्ड्स है, ये सब के सब इंफॉर्मेशन सोर्स है। सो आज के इंसान के पास सहजता से इच्छाएं ज्यादा आ जाती हैं। अब आ जाती तो क्या करें? यदि बाहर से ये शो करते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं चाहिए, तुहाडी कुड़ी साडी कुड़ी, बाहर से हम यही शो करते हैं मैं तो कुछ नहीं चाहिए, अंदर इच्छाएं भरी हुई है, अंदर कामना है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ऐसे आदमी को भगवान जी हिपोक्रेट कहते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। अब है इच्छा, क्या करें? अब भगवान जी क्या कहते हैं? इच्छा है, नो प्रॉब्लम, इच्छा बिजली की तरह वरदान है इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। ये इतने बड़े बड़े पुल, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े मॉल, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े शहर बने तो इच्छा के पीछे ही तो बने। बड़े बड़े शहर बने, लास वेगास, लॉस एंजलस, चंडीगढ़, दिल्ली, रायपुर, ये नए नए शहर जो बन रहे हैं, इसके मूल में तो इच्छा है। इच्छा नहीं होती तो क्या होता? इच्छा नहीं होती तो मैं आपको क्यों बोल रहा होता है, सामने क्यों बोल रहा होता? नहीं जी, मेरे में तो कोई इच्छा नहीं। नहीं, इच्छा है आपसे बात करने की, बिल्कुल है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, लेकिन इस इच्छा को मैंने एक लक्ष्य दे दिया, इच्छा को एक लक्ष्य दे दिया, और जहां लक्ष्य दे दिया आपने, वो इच्छा मर्यादा हो जाती है, इच्छा शांति देती है, इच्छा गिल्ट नहीं देती। बहुत से लोग हैं संसार में इच्छाओं को दबाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, बहुत बहुत इच्छा है उनमें लेकिन दबाए रखते हैं। क्या करेंगे उनके बाद? जब ज्यादा ही दबा दोगे तो अहंकार आ जाता है या फिर गुस्सा आता है, और दोनों स्थिति में अध्यात्म हमसे बहुत दूर चला जाता है। सोचिएगा सर।